सोलन में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को लेकर शहरी कांग्रेस द्वारा आपात बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता विधायक धनीराम शांडिल ने की। विधायक द्वारा फोन पर जिला उपायुक्त एसपी और एसडीएम सोलन को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए और उन्हें कोरोना संक्रमण शहर में न फैले इसके लिए उपयुक्त कदम उठाने को कहा गया। इस मौके पर धनीराम शांडिल ने प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों पर चिंता जताई और कहा कि प्रदेश को बॉर्डर खोलने के नियमों पर एक बार फिर से विचार करना चाहिए। विधायक ने कहा कि बॉर्डर खोलने से अचानक बहुत संख्या में लोग हिमाचल आ रहे हैं, जिन्हें नियंत्रण करने के लिए ज्यादा स्टाफ की आवश्यकता है जो जिला प्रशासन के पास नहीं है। ऐसे में स्थिति और भी बिगड़ने की आशंका है। विधायक धनीराम शांडिल ने कहा कि जब से हिमाचल की सीमाएं सरकार ने खोली हैं, तब से हिमाचल की जनता कोरोना रूपी दैत्य का विकराल रूप देख रही है, जिसके चलते हिमाचल में भय का माहौल देखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि वे जानते हैं कि पर्यटन के साथ रोजगार भी जुड़ा हुआ है, इसलिए वे इसके विरोध में नहीं है, लेकिन प्रदेश सरकार द्वारा बॉर्डर्स को क्रमवार खोलना चाहिए था। यही कारण है कि परमाणु और शोधी बॉर्डर्स पर पर्यटकों की भीड़ देखी जा रही है और उनका टेस्ट करने के लिए वहां पर्याप्त स्टाफ नहीं है और वहां भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है और कोरोना के संक्रमितों की संख्या भी अब आसमान छूने लगी है, जिसे देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि प्रदेश सरकार पर्यटन को नहीं बल्कि प्रदेश में कोरोना को बढ़ावा दे रही है। इसलिए प्रदेश सरकार ने जो निर्णय लिए हैं उस पर उन्हें पुनर्विचार करने की आवश्यकता है, अन्यथा इन निर्णयों के जल्द हिमाचल वासियों को दुष्परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। कोरोना जैसे दैत्य को हमारी देवभूमि की जनता भी अब उसके विकराल रूप को देख रही है और जहाँ तक अभी तक का सवाल था हमारे देवभूमि में, ये संक्रमण की जो महामारी, जो विश्वव्यापी महामारी है, तकरीबन कम आई थी, परंतु जब से बिल्कुल ही पूरे आने जाने पे हमारे सभी प्रकार के जितने इंग्रेस रूट्स हैं सबको खोल दिया गया, तब से ये भय उत्पन्न हुआ है मन में कि इसकी वजह से पर्यटन को और दूसरी चीज़ों को बढ़ावा हो तो अलग बात है, परंतु कोरोना के केसेस में वृद्धि हुई है, जो मैं समझता हूँ एक चिंता का विषय है। सोलन जैसे शहर में जहाँ वैसे ही आना जाना लोगों का ज़्यादा होता है, हमें अब बहुत सावधानियां बरतनी होंगी। इसी के चलते मैंने आज यहाँ के चीफ मेडिकल ऑफिसर साहब से बात की, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से बात की, एडीएम से बात की, एसपी साहब से स्वयं बात की और अपना पूर्ण सहयोग देने की अपनी इच्छा भी व्यक्त की। एक ऐसी मैं समझता हूँ कि अवस्था में हम जा रहे हैं कि हमें जो आ रहे हैं उनका पूरा टेस्ट कर भी पाएंगे कि नहीं। जैसा कि मैंने एजेंसी से बात की, मुझे लगा कि वो इतने लोगों को टेस्ट करने में सक्षम नहीं हैं, क्योंकि बहुत से लोग जैसे परवानु पे ही लगभग अगर 200-300 गाड़ियां वेट कर रही हों, शोघी बैरियर पे एक दिन लगभग 4 घंटे तक, 3-4 दिन पहले की बात है, देवर वेटिंग फॉर गुड अबाउट 4 आवर्स। तो जब इतना रश आ रहा है इस कैपिटल टाउन पे और हमारे खासकर सोलन पे, इस पूरे मेरा अपना मानना है कि हमें और सजग होना पड़ेगा। हमारे पास इतने ज़्यादा स्टाफ भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा लगातार कर रहे हैं, हालांकि मेडिकल अथॉरिटीज आर डूइंग देयर बेस्ट, लेकिन फिर भी इतनी ज़्यादा टेस्टिंग की सुविधाएं पैदा करना संभव नहीं। हो सकता है कि प्रदेश सरकार भी इसलिए कह रही हो कि हमारे बहुत से लोगों का कारोबार नहीं रहा है, बहुत से लोग आउट ऑफ जॉब हैं। मैं सब समझता हूँ उस बात को भी, इसमें कोई दो राय नहीं कि ये रोज़गार से जुड़ा एक मामला है और हमारे प्रदेश के रेवेन्यू से जुड़ा भी एक मामला है, परंतु इसको हम अपने जान को जोखिम में डालकर अचीव नहीं कर पाएंगे। इसको बड़े, मैं तो समझता हूँ, वैज्ञानिक रूप से देखना पड़ेगा, बड़े स्टेप बाई स्टेप तरीके से देखना पड़ेगा। खोलना भी हो तो इसे बड़े धीरे धीरे हमें देखना होगा। तब ऐसी बात नहीं कि पर्यटन को बढ़ावा नहीं देना गलत बात है, परंतु गलत यह है कि एकदम सडनली अगर इसको खोल दिया जाएगा तो इसके दुष्परिणाम आम जनता पर और यहाँ की जनता पर आने के
पूरे चांसेस हैं कि बहुत से लोग कोरोना की चपेट में ना आ जाएं, जिससे कि ये कहीं ऐसा रूप ना ले कि ये एक प्रकार से स्प्रेड हो जाए और आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। उस स्थिति को हमें बचाने के लिए कदम लेने होंगे। मैं तो कहता हूँ कि सरकार को इसे डे टू डे बेसिस पे एनालाइज करना होगा, मॉनिटर करना होगा। यदि किसी प्रकार से केसेस ऊपर जा रहे हों, हो सकता है कि उनमें इसमें हमें ये जो खोले हैं गेट, शायद इसको दोबारा इस पर उनको दे में हैव टू टेक व्यू ऑन दिस एंड दे में हैव टू क्लोज दिस फॉर द टाइम। ऐसा भी एक समय आ सकता है अगर इतने ज़्यादा स्पाइरल केसेस ऊपर बढ़ गया, तो ये भी एक निर्णय सरकार को लेना पड़ सकता है।